सारे किसान भाई ने राम राम भाई भावांतर पर पाई योजना पे जो अपने बाजरा के 300 रुपये मिले आ रहे हैं भावांतर के उस पर लेके आप खतरा आए हैं। बड़ी खबर चैनल पर नए हैं सारे किसान भाई जो भी वो चैनल ने सब्सक्राइब करके वीडियो ने लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों आपके लिए कोई खबर लेकर आता हूँ सरकारी जॉब विदम के है और आपके लिए ट्विटर अभियान चलाना हो भावांतर के लिए आपकी कितनी भी बड़ी खबर हो कितनी छोटी खबर हम ही लेकर आते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसानों को बाजरा भावांतर की राशि नहीं मिलने पर जताया रोष कार्यालय के चक्कर काट कर हो रहे परेशान सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दोस्तों करीना क्षेत्र के हजारों किसानों ने अभी तक पिछली सीजन की बाजरा भावांतर की राशि नहीं मिली है। प्रभावित किसान परेशान है। इस संबंध में प्रजा भलाई संगठन के सुप्रीमो प्रमुख समाज सेवी अतरलाल ने एसडीएम सुरेंद्र सिंह को भेंट कर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैं ये लगातार किसान भाइयों से 2 महीने डेढ़ एक डेढ़ महीने से हो गया कह रहा हूँ कि भाई आप ज्ञापन सौंप के आओ आपका काम हो जाएगा। तो अभी कुछ किसान भाई सौंपने लगे हैं तो उनका काम हो भी रहा है प्रोसेस चल भी पड़ी है धीरे धीरे लेकिन सभी किसान भाई अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। अब ठीक है ये जो है समाज सेवक जो हैं ज्ञापन सौंप रहे हैं किसान भाइयों के लिए हम काफी अच्छा मानते हैं। हमने भी किसान भाइयों से किए थे और हिसार में भी ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने शुरुआत में 2200 रुपए के हिसाब से बाजरा बेचा सरकारी एजेंसी ने खरीदा उनको अभी तक जो है भावांतर का पैसा नहीं मिला है। 9 माह का टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी जो किसान है कृषि कार्यालय के चक्कर काट कर दुखी हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के अंदर प्रभावित किसानों को बैंक खाते में बाजरा भावांतर की राशि ट्रांसफर नहीं की गई तो जो है तत्काल प्रभाव से किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो दोस्तों 10 दिन के अंदर अगर आपके पैसे नहीं आते हैं तो ये जो संगठन है जल्द ही प्रजा भलाई संगठन जो है जल्दी अपने कार्यकर्ताओं किसान साथियों के साथ मिलकर जो बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे किसानों को भावांतर दिलवाने के लिए। हम भी इनको सपोर्ट जरूर करेंगे। चैनल पर नहीं तो आप हमें सपोर्ट करें वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।